जय हिंद बच्चों, आज हम क्षेत्र मिति में अर्थ बोला के संबंध में पढ़ेंगे। तो अर्थ बोला की परिभाषा है, अर्ध गोला गोले का आधा होता है, अर्थात गोले के केंद्र से गुजरने वाला कोई समतल गोले को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग अर्ध गोला कहलाता है। इस प्रकार ये अर्ध गोले की परिभाषा है, एक बार और दोहरा देता हूँ मैं। गोले के केंद्र से गुजरने वाला कोई समतल गोले को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। तो अर्धगोला गोले का आधा होता है, अर्ध गोला अर्ध गोले का ये केंद्र है वो ए बी, अर्ध गोले का व्यास है और ये भाग अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ कहलाता है। वक्र पृष्ठ और ये भाग समतल पृष्ठ है, गोले के ऊपरी भाग समतल, अर्धगोले के ऊपरी भाग समतल है। तो इसमें हम जोड़ देते हैं वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2πr². इसी प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 3πr². सूत्र है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr². दूसरा है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3πr². तीसरा सूत्र है अर्ध गोले का आयतन बराबर होता है 2/3πr³। तो इस प्रकार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ। तो ये वक्र पृष्ठ
और ये समतल पृष्ठ, अर्धगोले को काटते हैं तो ऊपरी भाग समतल रहता है, तो ये समतल पृष्ठ उसमें जोड़ दें वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ, तो ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो इस प्रकार 2πr² में πr² जोड़ दिए तो ये 3πr² मान हमको गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर। फिर अर्धगोले का आयतन बराबर है 2/3πr³। तो इस प्रकार हमको ये सूत्र प्राप्त हुआ। अब इसी सूत्र का उपयोग कर हम प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 7 है, प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 7। मान लो अर्ध गोले की त्रिज्या आर है, दिया है r = 3.5 cm, इस प्रकार मान लो अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r है और अर्धगोले की त्रिज्या r = 3.5 cm दिया है, तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। अर्ध गोले का आयतन बराबर होता है 2/3πr³। अर्ध गोले का आयतन बराबर होता है 2/3πr³। फिर इस सूत्र में मान रखते हैं बराबर 2/3×22/7×3.5³। आगे और हल करते हैं इसको, तो 3.5³ है, मतलब इसको हम 3 बार लिखेंगे, 2/3×22/7×3.5×3.5×3.5/1। उसके बाद आगे हल करने पर हमको इसका मान 89.83 cm प्राप्त होता है। इस प्रकार ये अर्धगोले का आयतन 89.83 cm प्राप्त हुआ। उसके बाद हम याद करेंगे अर्धगोले का पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ मतलब होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा 3πr²
अर्थ गोले का पृष्ठ बराबर होता है 3π r² मान रखते हैं 3π का मान 22/7 और r का मान 3.5 cm दिया है, तो r के स्थान पर हम 3.5 रख दिए, r का वर्ग है इसलिए 3.5 का वर्ग। फिर आगे हल करते हैं तो 3×22 × 3.5 × 3.5/7 तो इस प्रकार कटाने से हमको प्राप्त होगा 3×22 × 3.5 × 0.5। आगे हल करने पर हमको प्राप्त होता है 115.5 cm². तो इस प्रकार हम गोले का पृष्ठ ज्ञात कर लिए 115.5 cm². तो यहाँ पर गोले का अर्धगोले का त्रिज्या दिया था 3.5, तो अर्धगोले का आयतन 89.83 cm एवं अर्धगोले का पृष्ठ 115.5 cm² प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है। प्रश्न पढ़ देता हूँ एक बार मैं। 6 cm त्रिज्या वाले पीतल के ठोस गोले को पिघलाकर 6 cm ऊंचाई का एक लंबवृत्त शंकु बनाया गया है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। 6 cm त्रिज्या वाले पीतल के ठोस गोले को पिघलाकर 6 cm ऊंचाई का एक लंबवृत्त शंकु बनाया गया है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10वां है। मान लो गोले की त्रिज्या R1 मान लो गोले की त्रिज्या R1 है दिया है 6 cm। इसी प्रकार शंकु की त्रिज्या R2 है, शंकु की त्रिज्या R2 है, दिया है
शंकु की ऊंचाई। एच बराबर 6 सेंटीमीटर, तो प्रश्नानुसार गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। प्रश्नानुसार गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। तो गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो शंकु की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, तो दोनों के आयतन बराबर होंगे, गोले के आयतन बराबर शंकु के आयतन, और शंकु के आयतन बराबर गोले के आयतन। शंकु के आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 × π r² h बराबर गोले का आयतन बराबर 4/3 π r³³। अब हमको यहाँ पर दिया है गोले की त्रिज्या r₁ है, तो r₁ बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r₂ है, तो r₂ का वर्ग ये हो जाएगा, तो r₂ का मान ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, आगे हल करते हैं। एक बटे तीन गुड़ी पाई गुड़ी r₂ का वर्ग गुड़ी एज बराबर 6/4 गुड़ी पाई गुड़ी r₁ बराबर 6³। तो इस प्रकार मान रखने पर हम प्राप्त है r₂ का वर्ग बराबर हो जाएगा 4/3 × π × 6×6×6। इस प्रकार 3 × 1 = 3, ये कट जाता है आंसर हर में होने के कारण। 6 भी कटेंगे, 6 × 1 = 6, पाई और पाई कटेगा, तो r₂ के वर्ग बराबर हमको मिलता है 4×6×6।
तो आर टू के वर्ग बराबर हो जाएगा दो गुणी छः गुणी छः, तो आर टू बराबर होगा वर्गमूल दो गुणी छः गुणी छः। तो इस प्रकार हमको आर टू बराबर प्राप्त होगा दो गुणी छः, दो और छः के गुणा करने पर छः गुणी बारह सेंटीमीटर। इस प्रकार आर टू का मान हमको 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है और R2 शंकु की त्रिज्या है। तो गोले को पिघलाकर हम 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाते हैं और उसकी आधार की त्रिज्या हमको 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम एक गोले को पिघलाकर शंकु बनाते हैं तो दोनों के आयतन बराबर होंगे और शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी थी वो हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये उत्तर शंकु की त्रिज्या आर टू बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त हूँ। तो इस प्रकार एक गोले को पिघलाकर शंकु बनाते हैं और शंकु की त्रिज्या हम 12 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिए। इससे संबंधित हम और प्रश्न देखेंगे और उसमें भी है छोटे छोटे गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। फिर अभी हम प्रश्न 10वां हल किए हैं, अगला प्रश्न 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 पढ़ देता हूँ। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे क्योंकि छोटे छोटे गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है और छोटे गोली की त्रिज्या दिया हुआ है और हमको बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्रश्न 11 है, मान लो गोली की त्रिज्या 3r है तथा बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। दिया है आर बराबर 2 सेंटीमीटर, आर बराबर 2 सेंटीमीटर
कैपिटल आर बराबर ज्ञात करना है। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। तो 64 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो बड़े गोले के आयतन बराबर 64 गोलियों के आयतन। बड़े गोले के आयतन बराबर 64 गोली का आयतन। चार बटे तीन पाई आर त्रिघात बराबर 64 गुणित 4/3 पाई आर त्रिघात। आगे हल करते हैं हम, 4/3 पाई गुणित कैपिटल आर त्रिघात बराबर हो जाएगा 64 गुणित 4/3 गुणित पाई गुणित 2 3। क्योंकि स्मॉल आर छोटे आर का मान 2 दिया है, मतलब छोटे गोली की त्रिज्या आर स्मॉल आर और स्मॉल आर बराबर 2 सेंटीमीटर। आगे हल करते हैं, 3 बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पर 4/3 पाई तो आर त्रिघात बराबर प्राप्त होगा 64 गुणित 2 3। 64 गुणित 2 3। और आगे हल करते हैं तो 64 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणित 8 गुणित 8। इस प्रकार 8 3। तो आर त्रिघात बराबर 8 3, तो आर बराबर 8। इस प्रकार बड़े गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ये उत्तर है। तो छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया था और छोटे गोले की संख्या थी 64, मतलब 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया था और गोलियों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया था और बड़े गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना था, तो हमने ज्ञात कर लिया बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार और अगला प्रश्न लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 12 है, शीशे के किसी घन से जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोली छर्रे बनाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। शीशे के किसी घन से जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है 0.5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोली छर्रे बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न 12 देखेंगे, इसमें दिया है एक घन का एक कोर 11 सेंटीमीटर और गोली छर्रे की व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो गोली छर्रे की संख्या याद करनी है। प्रश्न 12, माना घन का एक कोर 1 है तथा गोली छर्रे की त्रिज्या इस्तेमाल आ रहा है। घन का एक कोर a बड़ा a है और गोली छर्रे की त्रिज्या r है, दिया है प्रश्न में दिया है घन का एक कोर a है तो a बराबर 11 सेंटीमीटर तथा गोली छर्रे का व्यास बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, दिया है a बराबर 11 सेंटीमीटर तथा r बराबर 2r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। R बराबर हो जाएगा 0.5/2। आगे हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो गई 5/20। हल करते हैं 5 × 5 = 1, तो 1/4। तो इस प्रकार घन का एक कोर 11 सेंटीमीटर, गोली छर्रे की त्रिज्या बराबर 1/4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। प्रश्न में दिया है घन को पिघलाकर गोली छर्रे बनाया गया है। तो घन को पिघलाकर गोली छर्रे बनाया गया है, मतलब गोली छर्रे की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्नानुसार घन से इंच छर्रे बनाए जा सकते हैं।
प्रश्नानुसार घन से स्मालेन छर्रे बनाए जा सकते हैं। इसलिए छर्रे की संख्या n बराबर घन का आयतन बटे गोली छर्रे का आयतन। इस प्रकार छर्रे की संख्या n बराबर घन का आयतन बटे गोली छर्रे का आयतन। तो इस सूत्र में मान रखते हैं घन का आयतन बराबर a त्रिघात बटे गोली छर्रे का आयतन 4/3 गुणित पाई गुणित आर त्रिघात। इस प्रकार ये हमको सूत्र प्राप्त हुआ है, a घन का एक कोर है और कोर एक त्रिघात बराबर घन का आयतन, क्योंकि घन के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं, इसलिए एक का त्रिघात होगा बटे गोली छर्रे का आयतन 4/3 गुणित पाई गुणित आर त्रिघात। मान रखते हैं तो 11 का त्रिघात बटे 4/3 गुणित 22/7 गुणित 1/4 का त्रिघात। तो इस प्रकार मान रखे हैं, अब इसको आगे हल करते हैं। ग्यारह गुणित ग्यारह बटे 4/3 गुणित 22/7 गुणित 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4। इस प्रकार 11 का त्रिघात है तो 11 का 3 बार गुणा करते हैं, 11 गुणित 11 गुणित 11। हर में जो संख्या 4/3 गुणित 22/7 गुणित 1/4 का त्रिघात है, इसलिए 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4। आगे हल करते हैं,
तीन गुड़ी, सात गुड़ी, चार गुड़ी, चार गुड़ी, चार बटे चार गुड़ी, बाईस गुड़ी एक। तो इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त होता है। फिर आगे हल करते हैं तो n बराबर 20,328। इस प्रकार छर्रों n है छर्रे की संख्या। तो घन को एक पिघला कर हम गोली छर्रे बनाते हैं तो गोली छर्रे की संख्या बराबर हमको प्राप्त होता है 20,328 छर्रे। छर्रे की संख्या n बराबर 20,328 छर्रे प्राप्त होते हैं। और ये उत्तर है, उत्तर बराबर हमको ये प्राप्त होगा गोली छर्रे। तो एक घन को पिघला कर गोली छर्रे बनाते हैं तो छर्रे की संख्या बराबर होता है घन का आयतन बटे गोली छर्रे का आयतन। तो इस प्रकार हमको छर्रे की संख्या बराबर 20,328 प्राप्त होते हैं। यही गोली छर्रे का आयतन है। और इस संख्या हमको प्राप्त है घन के आयतन बटे गोली छर्रे का आयतन। और दोनों के मान रखने से हमको छर्रों की संख्या प्राप्त हुआ 20,328 छर्रे। तो इस प्रकार हम एक घन से छर्रे प्राप्त किए हैं। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगले प्रश्न हम आने वाले पीरियड में देखेंगे बच्चों। तो आज के प्रश्न के हल करने के बाद अगला प्रश्न अगले पीरियड में देखेंगे। तो बाकी प्रश्न है उसको हल करेंगे अगले पीरियड में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।